वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि हम अपने बच्चों को आसानी से ए और एन का यूज़ कैसे सिखाएं, बच्चे कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उनको कहाँ पर ए का यूज़ करना है और कहाँ पर एन का यूज़ करना है। बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगर आप उनको वो चीज़ क्लियर नहीं करोगे। तो क्लियर करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जब भी हम अपने बच्चों को ए टू जेड करवाते हैं, यानी कि जब भी हम अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट करवाते हैं, तो हम उनको दो चीज़ ज़रूर सिखाते हैं। और अगर आप नहीं सिखाते हो तो प्लीज़ आप जब भी ए और एन का यूज़ करें उससे पहले अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, जैसे कि बच्चों को वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, बच्चों को वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स ज़रूर बताइए। ए टू जेड में वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, वेरी सिंपल, अगर बच्चा जानता है तो बहुत अच्छी बात होती है। ए, ई, आई, ओ एंड यू, दीज आर आवर वॉवल्स, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो इनके अलावा जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जो बाद में बचते हैं 21, लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे और एक्स्ट्रा जो होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। अगर आपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि हमारे वॉवल्स क्या हैं और हमारे कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो बच्चा इजीली ए और एन का यूज़ करना सीख जाएगा। क्योंकि जो भी हमारे वॉवल्स से वर्ड्स जो बनते हैं, हमारे वॉवल्स के साउंड वाली जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं वॉवल्स वाले। लाइक जैसे कि बहुत ही सिंपल है, आप ले लीजिए इंडियन, ओके, इंडियन, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, वॉवल्स के आगे ऑलवेज यूज होता है ए और एन, एन का हम यूज करते हैं, तो इसके आगे लगेगा एन इंडियन। और अगर हमारा एक वर्ड शुरू हो रहा है बी ए टी बैट, तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, वो क्या है हमारा, वो है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के आगे हम यूज करते हैं ऑलवेज ए, सो ए बैट। अगर आप बच्चों को वॉवल्स और कॉन्सोनेंट क्लियर कर देंगे तो बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और वो इजीली इस चीज़ को जो है समझ भी पाएगा। अब आपको क्या करना है कि बच्चों को दो तीन वर्ड्स ऐसे लिख करके देने हैं जिससे कि वो सीख जाए या उनको उसको समझ में आ जाए कि उसको कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करना है। आपको दो चीज़ क्लियर करनी है, वॉवल्स के आगे ऑलवेज बच्चों को बता दीजिए, सिखा दीजिए कि वॉवल्स जो होते हैं उनके आगे हमें एन का यूज़ करना है, ओके, यूज़ करना है, और कॉन्सोनेंट के आगे हमें ए का यूज़ करना है। जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट के साउंड से शुरू होते हैं या वॉवल्स के साउंड से शुरू होते हैं, जो वॉवल्स के साउंड से शुरू होंगे उसके आगे एन, जो कॉन्सोनेंट के साउंड से शुरू होंगे उसके आगे ए का हमें यूज़ करना है। उसके बाद में आप बच्चे को जो है कुछ वर्ड्स लिख करके दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये है, आप इस तरीके से बच्चों को कुछ वर्ड्स लिख करके दीजिए तो बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा। उसको सबसे पहले आपको करवाने से पहले एक चीज़ क्लियर करवानी है, आपको बच्चे से पूछना है सी क्या है, वॉवल है और कॉन्सोनेंट है, तो बच्चा आपको इजीली बता देगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या आपके आपके क्या यूज़ करना है, ए। आई क्या है, आई इज वॉवल, वॉवल के आगे यूज़ करना है हमें एन। सी क्या है हमारा, सी है हमारा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के आगे हमें क्या यूज़ करना है, ए। तो बच्चे को ये चीज़ जब तक क्लियर हो जाएगी तो बच्चा इजीली इन सब चीज़ों को कर पाएगा कि उसको कहाँ ए यूज़ करना है, कहाँ पर एन यूज़ करना है। आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों का याद रखना है कि आप बच्चे को सबसे पहले ए और एन का यूज़ करवाने से पहले जो है आप बच्चों को वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट ज़रूर बताइएगा। अगर बच्चों को पता है कि वॉवल्स कौन से हैं, सिर्फ आपको वॉवल्स याद कराने की ज़रूरत है। वॉवल्स क्या होते हैं हमारे, वेरी सिंपल, ये 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। अब अगर आप चाहें तो आपका बच्चा इजी बताएगा, ओ क्या है हमारा, वॉवल है, ए वॉवल है, ए वॉवल है, ई वॉवल है, ओ वॉवल है, और यहाँ पर भी क्या है, ए वॉवल है, सी, ये एस क्या है जो है, सी, एस क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके आगे क्या यूज़ करेगा बच्चा, इजीली ए यूज़ कर लेगा, इसके आगे बच्चा क्या यूज़ करेगा, इजीली ए कर लेगा, इसके आगे क्या करेगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ए कर लेगा। बट बच्चे को ये बताया कि अगर ये वॉवल है, 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 ये वॉवल, तो उसको आगे क्या यूज़ करना है बच्चे को, वेरी सिंपल, बच्चे को यहाँ पर यूज़ करना है एन,
बच्चे को क्या यूज़ करना है यहाँ पर एन, बहुत ही इजी है अगर आप बच्चे को कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर देंगे, उसका जो उसको जो प्रॉब्लम है उसको वो क्लियर करके बताएंगे, क्लियर करके समझाएंगे, ना कि बस ऐसे बोल दिया कि बच्चे इसके आगे आप ये लगा लीजिए, उसको नहीं समझ में आएगा। आप उसको बस क्लियर कर दीजिए कि हमारे वॉवल्स क्या हैं और हमारे कॉन्सोनेंट क्या है, तो बच्चा ईजिली उसको समझ जाएगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।